नमस्ते बच्चों, आप सबको सातवीं कक्षा के हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो बच्चों, पहले आप चारवीं कक्षा में एक कहानी सुने थे। कौन सी? अक्षय कुमार का साहस। अक्षय कुमार का साहस में अक्षय कुमार ने अपने साहस से क्या किया था बच्चों? स्कूल से घर जाते समय उसने एक रेल की पटरी को देखा। वो रेल की पटरी क्या हुई थी बच्चों? वो टूट गया था। उसी समय एक रेलगाड़ी उधर से आ रही थी। उसने क्या किया बच्चों? अक्षय कुमार ने क्या किया था? उसने अपने लाल कमीज़ को एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी उस तरफ आने से रोका था। किस तरह बच्चों? अपने लाल कमीज़ एक डंडे से बांधकर रेल की तरफ लहराया था। इस लाल कमीज़ के लहराने से रेलगाड़ी रुक गई थी। होने वाली दुर्घटना से रेल बच गया था। बहुत से लोगों की जान संकट में आने से बच गई थी। ऐसे ही एक कहानी, एक लघु कथा हम इस क्लास में सुनेंगे। अच्छा बच्चों, आज का क्लास में हम क्या सुनेंगे? समझदार राजू। पाठ का नाम क्या है? समझदार इस पाठ से बच्चे क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? इस पाठ से बच्चे मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। समझे बच्चों? इस पाठ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, यह सीख मिलती है। अच्छा बच्चों, राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वह बड़ा समझदार और बहादुर बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वहां अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। देखो बच्चों, राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। वहाँ बड़ा समझदार और बहादुर था। समझदार इसका अर्थ है सयाना। इसका अर्थ है होशियार। बहादुर यानी साहसी। राजू कैसा लड़का था? बहादुर और समझदार बच्चा था। उसके खेत के पास से रेल की पटरी गुजरती थी। राजू का क्या खेत था ना, उसके पास से एक रेल की पटरी गुजरती थी। एक दिन वहाँ अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने एक दिन क्या किया बच्चों? अपने खेत से घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर पड़ी। उसकी नज़र किस पर पड़ी बच्चों? रेल की पटरी पर पड़ी। पटरी इसका अर्थ है रेलवे। रेलवे मार्ग कहाँ रेल जाती है ना बच्चों, वहाँ उसे क्या कहते हैं? रेलवे मार्ग कहते हैं। उस तरफ से राजू क्या कर रहा था? घर जा रहा था। अपने खेत से घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक टूटी हुई रेल की पटरी पर
पड़ी। क्या रेलवे मार्ग था ना बच्चों, उसके नज़र उस टूटी हुई रेलवे पटरी पर पड़ी। राजू घबरा गया और इधर उधर देखने लगा ताकि वह किसी को इसके विषय में बात कर सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिए। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। क्या हुआ बच्चों, राजू खेत से घर जा रहा था, उसने क्या देखा कि एक रेल की पटरी थी ना, वो टूटी हुई दिखाई दी। इसके विषय में बात कर सके, इसके विषय में के विषय में बात कर सके, लेकिन उसे आसपास कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वो रेल की पटरी क्या थी ना बच्चों, वो टूट गई थी, इसलिए इस विषय के बारे में किसे तो बोलना चाहिए। इसलिए राजू ने क्या किया, इधर उधर देखा, फिर वहाँ क्या हुआ बच्चों, कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिए। व्यक्ति इसका अर्थ है बच्चों आदमी। कोई भी आदमी व्यक्ति नहीं दिखाई दिए। तभी उसे दूर से आती रेलगाड़ी दिखाई दी। तब क्या हुआ बच्चों, वो रेल की पटरी टूटी हुई थी ना, उसी समय क्या हुआ, एक रेल उधर से आने लगी थी। ये रेल राजू को दिखाई दी, वह चिंता में पड़ गया। वह राजू क्या किया बच्चों, चिंता हो गई, क्योंकि वो रेल की पटरी टूट गई थी। रेल उस पटरी से निकला तो क्या होता था, दुर्घटना होता था, इसलिए राजू को क्या हुआ, उसके बारे में चिंता हो गई। अगर वह गाड़ी रोकी नहीं गई तो अनेक लोगों की जान चली जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ती चली आ रही थी। क्या हुआ बच्चों, वो दुर्घटना होने से पहले वो रेल को रोकना चाहता था, इसलिए क्योंकि अनेक लोगों की जान संकट में पड़ती थी, इसलिए उसने क्या किया, गाड़ी क्या हो रहा था बच्चों, रेलगाड़ी उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ती चली आ रही थी। अचानक उसको एक उपाय सूझा। राजू को क्या हुआ बच्चों, अचानक एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से अपनी लाल कमीज उतारी और उसे एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी की तरफ जोर जोर से लहराने लगा। अचानक राजू को एक उपाय सूझा। उसने क्या करने का सोचा कि अपनी लाल कमीज क्या था ना बच्चों, कमीज इसका अर्थ है शर्ट। उसने अपने लाल कमीज को उतारी और एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। उसने क्या किया बच्चों, अपनी लाल कमीज को उतारी और एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर ने उस लाल कपड़े लहराते हुए देख लिया। उसे किसी अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी को रोक दी। क्या किया बच्चों, राजू ने अपने लाल कमीज को उतारी और एक डंडे से बांधकर आते हुए रेलगाड़ी के तरफ जोर जोर से लहराने लगा। रेलगाड़ी के ड्राइवर क्या थे ना बच्चों,
उसने ये लाल कपड़ा लहराते हुए देखा और उसे एक अनजान खतरे का एहसास हो गया और गाड़ी रोक दी। क्या क्या है ना बच्चों, ड्राइवर को मालूम हो गया कौन सी की कोई अनजान खतरा, कोई दुर्घटना होने वाली है, इसलिए उसने क्या किया बच्चों, अपनी गाड़ी रोक दी। अचानक गाड़ी रोकने से रेलगाड़ी के यात्री इधर उधर देखने लगे। देखो बच्चों, रेल लाल कपड़ा लहराने से ठहर गया था, इसलिए उसमें रहने वाले यात्री थे ना, कोई ट्रैवलर थे ना, उन्होंने क्या किए, इधर उधर देखने लगे। क्यों यहाँ पे रेलगाड़ी रोक दी गई, क्या हुआ ये सोच के। फिर जब उनको पता चला कि एक बच्चे की सूझबूझ से उनकी जान संकट में आने से बची है। देखो बच्चों, राजू की समझदारी से क्या हुआ, बहुत सी लोगों की जान संकट में आने से बच गई थी, तो सभी उसे शाबाशी देने लगे। राजू की समझदारी से क्या हुआ था बच्चों, बहुत से जान संकट में आने से बच गई थी, इसलिए उन्होंने राजू को क्या किया, शाबाशी देने लगे। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार यानी पुरस्कार इसका अर्थ है इनाम। रेल में बैठे हुए यात्री क्या करे बच्चे, क्या किया, सभी ने राजू को शाबाशी दी इस साहस के लिए। बाद में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उस बच्चे को बहादुरी के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया। राजू था ना बच्चों, उसके साहस के लिए गणतंत्र दिवस के दिन पर उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनको इस साहस के लिए पुरस्कार दिया। समझे ना बच्चों, राजू ने क्या किया, मुसीबत के समय नहीं घबराते हुए उसने अपने हिम्मत दिखाया और उस हिम्मत से उसने क्या किया बच्चों, रेल की दुर्घटना होने से बचा दी थी। इसी कारण रेल में बैठे हुए यात्रियों की जान संकट में आने से बच गई थी। इसी साहस के कारण उनके स्कूल के द्वारा प्रधानाचार्य जी ने क्या किया था, गणतंत्र दिवस पर राजू को उसकी समझदार और बहादुरी के लिए इनाम दिया था। राजू कौन सी कक्षा में पढ़ता था बच्चों, राजू कक्षा 4 में पढ़ता था। घर आते हुए उसने क्या देखा था बच्चों, घर आते हुए राजू ने एक रेल की पटरी टूटी हुई देखा था। राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए क्या उपाय किया बच्चों, राजू ने रेलगाड़ी रोकने के लिए अपनी लाल कमीज उतारी और एक डंडे से बांधकर रेलगाड़ी के तरफ लहराने लगा। इस साहस के लिए उनके प्रधानाचार्य जी ने उनको गणतंत्र दिवस पर एक इनाम दिया। धन्यवाद बच्चों।